ट्विन टावर का आज आखिरी दिन, एक्सप्रेसवे बंद, ग्रीन कॉरिडोर और एम्बुलेंस तैयार। दोपहर 2:15 पर ब्लास्ट का सायरन बजेगा। भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत का आज होगा अंत। ट्विन टावर की कौन है गुनहगार, बिल्डर का ऐसा था खेल। 32 मंजिला इमारत मलबे में बदल जाएगी। रेत के टीले की तरह डहेंगे सुपरटेक ट्विन टावर्स, आसपास के घरों में खरोच तक नहीं आएगी। ट्विन टावर का बनना एमराल्ड कोर्ट के बायर्स के लिए बड़ा धोखा था, तो अब इसे गिराने की प्रक्रिया भी उनके लिए कम तकलीफदेह नहीं है। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक हर कदम यहां रहने वालों के लिए खौफ के साए में रहने के समान है। आज दोपहर नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन शेड को ध्वस्त किया जाएगा। देश में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने वाले सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया था। ट्विन टावर में सैकड़ों लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, इनमें से अभी भी कुछ लोगों को रिफंड नहीं मिला है। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक हर कदम यहां के निवासियों के लिए खौफ के साए में रहने के समान है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगेगा। बता दें, सुबह 7 से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटा दिया गया। अब ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लॉट नंबर 4 पर आवंटित जमीन का टुकड़ा निकल आया, जिसकी अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम पर दी गई, लेकिन यह दो प्लॉट 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन गया। इस प्लॉट पर सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 22 मंजिल के 16 टावर्स को बनाने का प्लान था। आपको बता दें कि यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बात बिगड़नी शुरू तब हुई जब 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FIR बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल FIR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया। FIR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते हैं। उससे सुपरटेक बिल्डर को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहां तक भी एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन बात तब बिगड़ी जब फिर से रिवाइज प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली। इसके बाद एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट बायर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आज यहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था।